हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक मीन्स दोनों के सेंटर्स कॉमन है और दोनों की रेडियस जो है कैपिटल आर है। इसकी भी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी भी रेडियस कैपिटल आर। आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक क्वाइल ऐसे रखी गई है और दूसरी क्वाइल ऐसे रखी गई, यानी दोनों के प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट बाई पासिंग सेम करेंट आई इन बोथ ऑफ देम। दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। आप देखें इसके कारण, इसको हम पहला एजुम कर ले रहे हैं और इसको दूसरा मान, और दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है। इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है। इसकी भी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी भी रेडियस कैपिटल आर है। तो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? M1 इज इक्वल टू आई इंटू ए करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द लूप। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। और यही मैग्नीट्यूड दूसरे का भी है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको हम कैपिटल एम एज्यूम कर लें। अब इसके डायरेक्शंस को देखिए आप, तो राइट हैंड थंब रूल से इसका जो सेंस होगा पहले वाले का, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये मिल जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरे वाले का ये देखिए, ये ऐसे इस प्लेन में है, यानी ये सेंस हो जाएगा दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है M2। और M1 M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एडिशन जो होगा वो पैरेललोग्राम मेथड से हो जाएगा। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट। और M का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हम इसके मैग्नीट्यूड को M नहीं मान रहे, M1 M2 ही रहने दो। अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, और दोनों सेम है इसलिए ये हो जाएगा M1 रूट 2। और M1 की वैल्यू कितनी ऑब्टेन की गई है? पाई आई आर स्क्वायर इंटू रूट 2। इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा।